राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र एक छोटा सा प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आप लोग के सामने आया हूँ। इस प्रयोग में एक पैसे का भी खर्च नहीं है और जिसके लिए भी जिसके नाम का उच्चारण करके इस बीज मंत्र का जाप कर देंगे वह दिन रात आपके बारे में ही सोचेगा, आपके नाम का ही माला जपेगा या जपेगी। अपने आप में ऐसा चमत्कारिक प्रयोग है कि आपका पार्टनर एक पल भी आपके बगैर रह नहीं पाएगा। यदि आप लोग रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, बात बात पर लड़ाई झगड़े मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं, वहां इसका प्रयोग करके देखिएगा। या वन साइडेड लव के शिकार हो चुके हैं, एक तरफा प्रेम के शिकार हो चुके हैं, वहां इसका प्रयोग करके देखिएगा। या आप लोग को लगता है कि रिश्ता खत्म होने के कगार पे है, आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही हैं, वहां इसका प्रयोग करके देखिएगा। जिसके लिए भी इसका प्रयोग कर देंगे, जिसका नाम लेकर के यह मंत्र जप कर देंगे, फिर देखिएगा चमत्कार, एक पल भी वह आपके बगैर रह नहीं पाएगा। वशीकरण का प्रयोग अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। किसी को अपने बस में करके उससे मनचाहा कार्य करवाने के लिए वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भूल करके भी इसका दुरुपयोग ना करें। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, दिल से उसे चाहते हैं और उसके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, आपका रात दिन का चैन सुकून खत्म हो गया है, एक पल भी आपको चैन नहीं मिल रहा है, हर काम में आपको अड़चने आ रही है, आपका मन कहीं नहीं लग रहा है और रिश्ते आपके टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़े मनमुटाव बढ़ते बढ़ते आपको ऐसा लगने लगा है कि अब रिश्ता चल नहीं पाएगा, या तो ब्रेकअप हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, या कुछ ऐसी ही दुरूह स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर वशीकरण का प्रयोग करके अपने रिश्तों को बलेंस में कर सकते हैं। वशीकरण का प्रयोग जब भी करिएगा तो यह ध्यान दीजिएगा कि आपकी एनर्जी कैसी है। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो कोई भी प्रयोग करेंगे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो दिक्कत होती है, हो सकता है कि सफलता मिल जाए, कभी कभी तो बहुत लंबा समय भी लग जाता है। और यदि आपने एक से लेकर दो बार तक ट्राई किया या कई बार आपने ट्राई किया वशीकरण का प्रयोग, अगर आपसे सिद्ध नहीं हो पा रहा है या आपको सफलता नहीं मिलती है, तो इसके लिए आप निराश ना हो। अगर आप सही हैं, आपका लगाव सच्चा है, आपका प्रेम सच्चा है, तो मैं आपकी अवश्य मदद करूंगा। आपके लिए अनुष्ठान करके यंत्र को सिद्ध करके आपके एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से यंत्र पहुंचेगा। हाँ, उसमें जो सामग्री खर्च है, जो दक्षिणा होगी, वो आपको देनी होगी। और यहाँ पर जो प्रयोग लेके आया हूँ, यदि श्रद्धा भाव विश्वास के साथ आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। किसी एकांत कमरे का आपको चयन करना है जहाँ कोई शोरगुल ना हो, ना शोरगुल होने की संभावना हो, किसी का टोक न लगे। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो किसी का टोक न लगे, इसलिए एकांत में करना चाहिए। अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हैं, मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स से नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूँ तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है, इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फोन कॉल का प्रयोग कदापि ना करें।
अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो, अपना नाम और अगले का नाम और अगले का कोई लेटेस्ट फोटो व्हाट्सएप करें। मैं एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करके आवश्यकता पड़ने पर उचित समाधान भी करूँगा। करना क्या है आपको, एकांत कमरे का चयन कर लें जहाँ कोई शोरगुल ना हो, ना शोरगुल होने की संभावना हो। किसी आसन पर बैठ करके, आसन कंबल का हो, ऊन का हो या कुश का बना आसन हो, कुमकुम की माला से और लाल वस्त्र आपको धारण करना है। जब इस मंत्र का जाप करेंगे तो लाल वस्त्र का, चाहे लाल आप बंडी पहन लीजिए, लाल साड़ी पहन लीजिए, अगर लेडी है तो साड़ी पहन लीजिएगा, टी शर्ट हो लाल, या अगर पुरुष है तो लाल शर्ट पहन लीजिएगा, जो भी हो लाल कपड़ा उसको आप पहन करके इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र है ओम रिम नमः, ओम रिम नमः। और कितना करना है आपको, एक सप्ताह तक प्रतिदिन 1000 जाप करें और उसका नाम लें, नाम 7 बार 11 बार या 5 बार उसका नाम ले करके उसको पाने की इच्छा से इस मंत्र का जाप करने के बाद देखिएगा वो जहाँ पर भी होगा वह आपके सपने देखने शुरू कर देगा या शुरू कर देगी। यह प्रयोग कोई भी कर सकता है, युवक युवती कोई भी कर सकता है, अपने आप में बहुत चमत्कारिक प्रयोग है, आज माँ के देखिएगा। धन्यवाद। राम राम।